तो यो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन आज भी ओपी जा रहा होगा बाकी सब दिनों की तरह। अगर नहीं जा रहा है तो आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आपका दिन फाड़ जाने वाला है, मतलब तोड़ फोड़ जाने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 के बारे में, जिसमें हमारा जो हेंतेंगू है, बहन चोद क्या फाइट है बे, तुम देखोगे तो तुम्हारा देह वो हो जाएगा, शरीर हिलने लगेगा उस, और उसका जो नया लुक है उफ, अभी से स्पॉइलर नहीं देता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में देखा ही था जो एंडिंग था, जहाँ पर हमारा जो तांजिरो हमारे हेंतेंगू के गला जस्ट काटने ही वाला था, वहीं पर सीन एंड हो जाता है। बट हमारा सीन वहीं से चालू होता है आज भी, और हमें देखने को मिलता है जब हमारा जो तांजिरो है वो हेंतेंगू का गला थोड़ा सा, जस्ट लिटरली थोड़ा सा कट करता है ना, तब उसे एक मिस्टीरियस पावर फील होती है जो कि बहुत खतरनाक होती है। और वो सोचता है कि ना, ये उन 4 एलिमेंट्स, मतलब जो 4 मोशन एलिमेंट्स थे उनके भी नहीं है, और उसे एक यूनिक सा फील आता है। और ये चार भाई थे उनसे भी डेडली फील आता है, बट वो सबको इग्नोर करके हेंतेंगू का गला काटने में फोकस करता है, बट वो फोकस नहीं कर पाता है और उसकी पावर वहीं पर थोड़ा मतलब लो होके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है जो उसके पीछे कोई खड़ा है उसको सोच सोच के। और उसकी बहन जो नेजुके ने उसको थोड़ा जो ब्लड ऐसा दिया था जिससे कि वो फायर वाला टेक्निक यूज़ कर पा रहा था, वो भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और ये सोचते सोचते हमारा जो हेंतेंगू है वो थोड़ा रोना चालू करता है, एक स्क्रीम करता है, जिससे कि हमारा जितने भी वहाँ पर दो जो हमारा गेनिया और अपना जो तांजिरो थे उसके कान दर्द करने लगे थे। और हमें तुरंत ही देखने को मिलता है जो हमारे पीछे डेमन रहता है, वो एक यूनिक सा डेमन रहता है भाई, और दिखने में तो ताबड़ तोड़ है भाई। देखो मैं फ़ोटो तो दे दूंगा, आप वीडियो में देख ही रहोगे क्या खतरा दिखता है। और वो उसका जो फील है ना, वो गेनी और तेंजिरो को पूरा हिला के रख देता है, और नेजुको तो भाई हिल भी नहीं पाती अपनी जगह से। तो वो जैसे तैसे करके हमारा कंट्रोल करता है और पीछे मुड़ के देखता है, तभी हमारा जो वो डेमन रहता है वो एक ऐसा हाथ से एक स्टिक निकालता है और अपने ड्रम्स, उसके पास बेसिकली 4 ड्रम्स रहते हैं पीछे, वहाँ से एक को बीट करता है, जिससे कि वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लकड़ी के ड्रैगन्स बन जाते हैं। अगर आपने नारुतो देखा है तो उसमें आप देख सकते थे जो हमारा हाशिरा था, जो फर्स्ट मतलब हाशिरा में था, उसके पास जो था टेक्निक उडन वाला, उसी टेक्निक का यूज़ कराता है, और सेम एलिमेंट ही यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, वो ड्रैगन वाला, उडन ड्रैगन वाला। और वो इतना खतरनाक और इतना बड़ा रहता है, और उसके 4 फेसेस रहते हैं जो कि तांजिरो को बहुत बुरी तरह दौड़ाते हैं, और तांजिरो को हवा पे ही मार मार के रखे रहते हैं, जिससे कि तांजिरो बहुत मुसीबत में पड़ जाता है। और वो जैसे तैसे करके हवा से ऐसे नीचे गिरता रहता है डॉच करके सबको, बट अनफॉर्चुनेटली एक उडन आके उसे टच करने वाला था, तभी नेजुका-चान वहाँ पर आ जाती है और वो जैसे तैसे करके बचा लेती है अपने भाई को, बट वहाँ पर उसका एक हाथ और उसका एक पैर कट जाता है। बट वो तो थे डेमन, तो वो रिकवर कर लेती इजीली, बट वो बेहोश हो जाती है उसके बाद। और उसके बाद हमारा जो तांजिरो है वो सोचता है कि क्या है भाई, क्या पावर है। और जब ये उसको पूरा फेस टू फेस मिलता है और गेनिया को बोलता है कि तुमने इसको देखा नहीं, ये कहाँ से आ रहा है, तब गेनिया के आंखों के सामने ना जो 2 सेकंड का दो मिनट का जो भी उसके सामने जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। क्यों भी अनबिलीवेबल था, देखिए, क्योंकि वो जब लोग लड़ रहे थे 4 एलिमेंट्स के साथ, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 4 एलिमेंट्स को बहुत कुत्ते की तरह मार दिया था, बट जो वहाँ पर जो एंग्री वाला था ना, वो अचानक थोड़ा पागल जैसा होने लगा, और वो जो बाकी 3 एलिमेंट जो मोशन एलिमेंट्स थे उन लोग को अपने हाथों से ऑब्जॉर्ब कर लेता, और अपने आप मतलब उनको कंबाइन करके वो एक यूनिक सा बन जाता है, और जिससे कि वो उन चीज़ों को फ्यूज़ करके थोड़ा उसका ईयर भी कम जाता है, थोड़ा बच्चे की जैसा दिखता है, और अब बहुत ओवर पावर्ड हो जाता है, जिससे कि वो जब अपने आँखों से एक बीम छोड़ता है, मतलब अपना पावर का एक ऐसा एक चुटकी बजा के ऐसे दिखाता है, तब हमारा जो तांजिरो नेजुका-चान और हमारे जो गेनिया है वो फ्रीज हो जाते हैं, उनके हार्ट बीट पूरे हाई लेवल पर चली जाती है और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और गेनिया भी सोचता रहता है भाई ये कैसे कर सकता है कोई डेमन, और हाँ वो फिर सोचता रहता है कि यही है असली अपर मून 4 का रूप जिसे हमें हराना है। उसके बाद जो हमारा अपर मून 4 रहता है वो अपने जो छोटा सा रियल बॉडी रहता है उसे उस उड़न एक उड़न के फ्रेम बना के उसके अंदर छुपा देता है, और वो इन लोगों को बोलता है कि तुम लोग ने अफसोस मेरे भाइयों को तो मार दिया, बट मुझे नहीं मार पाओगे, और तुम लोग
मेरे किसी काम के नहीं हो, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर स्वॉर्डमैन को मारना आना था, जो इनका चीफ है उन्हें मारना, और तुम लोग मुझे वर्थ इट नहीं लग रहे हो मारने का, और मुझे सिर्फ स्वॉर्डमैन को मारने का ऑर्डर मिला है मेरे मास्टर से, तो मैं सिर्फ उनको ही मार के जाऊँगा। अगर लोग तुम मतलब तुम अगर स्वॉर्डमैन वाले बनाने वाले मेकर्स नहीं हो तो तुम यहाँ से हट जाओ, मेरा तुम्हारे से लड़ने का कोई इंटेंशन नहीं रहता है, और मुझे सिर्फ उनको ही मारना है। फिर हमारा जो तांजरो बोलता है कि तुम्हारी वजह से कितने मासूम जाने गई है, और ऐसा इमोशनल मतलब उनकी फैमिली से इमोशनल और ऐसा मतलब बहुत दुख पहुँचा है उनको। उसके बाद हमारे जो प्रमुख पूरे बोलता है कि तुम्हें क्या मतलब, तुम तो उनके लिए कुछ भी नहीं हो, ना तुम्हारे वो रिलेटिव लगते हैं ना कुछ। तो हमारा तांजर बोलता है कि वो एक ह्यूमन है, और ह्यूमन ही अपने एक ह्यूमन फ्रेंड को हेल्प करता है, भले तुम ना जानो बट वो किसी मुसीबत में देखोगे तो तुम्हें हेल्प करना चाहिए बोलता है। और ये सुनने के बाद हमारी जो अपर मून फोर होता है उसको थोड़ी सनक जाती है, और वो फिर से बोलता है कि अगर तुमने मैं लास्ट वार्निंग देना तुम यहाँ से नहीं हटोगे तो तुम तो यहाँ से ठुकाई खा के जाओगे। तभी हमारा तांजिरो जैसे तैसे अपना पावर्स एक जगह पर इकट्ठा करता है, बट हमारा गेनिया और नेजुको चैन वो अब तक नहीं समझ पाते उनके साथ क्या हो रहा है, बट हमारा तांजिरो समझ जाता है और जैसे तैसे करके उसके वो इफेक्ट से हटता है और अपना पावर शो करता है, जिससे कि हमारा जो अपन मून फोर है वो भी सोचता है कि इसके अंदर कुछ बात है, ये मेरे इस पावर के लेवल को भी हैंडल कर पा रहा है और मेरे साथ हेड टू हेड खड़ा है। और ये देखने के बाद थोड़ा खुश होता है कि चलो कोई तो कंपटीशन का मिला वगैरह। और उसके बाद हमारा तांजिरो जैसे तैसे फाइटिंग करने को रेडी हो जाता है, अपना स्वॉर्ड उसकी तरफ एम करता है, और हमें देखने को मिलता है जब उनकी मैच स्टार्ट होने वाली रहती है फाइट की, तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है। भाई इन लोग का सीन ना बहुत गंदे टाइम चेंज होता है लिटरली, और हमें दूसरे सीन में यही दिखाया जाता है जो हमारा अपर मून फाइव और हमारा जो मिस्ट हासिरा का फाइट रह गया था हमारे पिछले एपिसोड में, वहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मिस्ट हासिरामा हमारा अपन मन फाइव के एक स्पेल के अंदर रहता है, और उसकी जो स्पेल के अंदर है उसको लिटरली एक पानी का बना रहता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो हमारा मिस्ट हासिरा पहले से इंजर्ड था और उसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं थी, तो वो सोचता है कि ये मेरा एंड है और मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, और बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। फिर हमारा अपन मन फाइव बोलता है कि मैं तुम्हें चलो एक हाशिरा तो मेरे को मिला और बहुत पावरफुल वाला, और मैं तुम्हें अपने कलेक्शन में भी ऐड करूँगा मस्त, और तुम्हें एक मस्त मतलब एक डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दूँगा। और वो बोलता है कि तुमको कन्वर्ट करने से पहले मुझे वो उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर क्या है, कि तुम लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। बेसिकली वहाँ पर एक घर रहता है जिसके अंदर हमारा तांजिरो का स्वॉर्ड रेडी होता रहता है, और वो जब हमारा अपर मन वहाँ से निकल के वो घर के अंदर जाता है तो उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक दो काम बंदे काम करते थे, एक तो है जो तांजिरो को स्पेशली स्वॉर्ड बनाने के लिए लेके गया था वहाँ पर मन लगा के काम करता रहता है, तो उसके साथ और एक असिस्टेंट रहता है वो बेसिकली अपर मून फाइव के साथ लड़ने का ट्राई करता है बट वो फेल हो जाता है। और हमारा अपर मून वहाँ पर देखते हैं कि इंसान को कि हमारा जो तांजिरो को स्वॉर्ड रेडी करता रहता है वो बहुत मेहनत से काम करता रहता है, और ये देख के हमारा जो अपर मून फाइव उसकी सनक जाती है कि मैं यहाँ पर रह के वो इतना कॉन्सेंट्रेट कैसे है अपने काम में, और उसे डिस्टर्ब करता है, बट वो जब डिस्टर्ब करता रहता है तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर वो डिस्टर्ब करता रहता है उसको बहुत तकलीफ पहुंचाता है, उसका मास्क तोड़ देता है, और वहीं पर हमारा उसका फेस भी रिवील हो जाता है और उसके फेस से ब्लड बहता है, फिर भी वो करता रहता है और बोलता है कि ये स्वॉर्ड एक मास्टरपीस है, इसे 100 सालों में भी अगर तोड़ा नहीं जा सकता और इसे सही से इस्तेमाल करा जाए और इससे एक ही स्ट्राइक में पूरे डेमन्स को ख़त्म कर सकते हैं लाइन में खड़े करके, और ऐसे अपने मन में बोलता रहता है और सोचता है कि इसमें सार्प करके तांजिरो को दे दूँ तो इन लोग का खात्मा निश्चित है, और वह लग के उस काम को करता रहता है। फिर हमारा सीन थोड़ा चेंज होता है और हमारे मिस्टर हासिरा को दिखाया जाता है जो कि अभी मरने के तदार में होता है क्योंकि उसका जो ब्रेथ है ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आता है, वह एक लास्ट ट्राई करता है अपना ब्रीथिंग टेक्निक से, बट वो उससे उसको तोड़ नहीं पाता है उस स्पेल को, और वहीं पर थोड़ा बेहोश होने लगता है, और वो सोचता है कि मैं तो बहुत यूजलेस मौत मरा हूँ, मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मतलब बेसिकली अपने मास्टर को अपोलॉजी करता है कि मैं बहुत यूजलेस मौत मर रहा हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाया, और मेरे बदले कोई दो हासिरा को यहाँ पर जल्दी भेज दो जो कि यहाँ पर इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि मैं तो नाकाम हो गया हूँ। और लेकिन वो जो मरता रहता है मतलब बेहोश होता रहता है, अपनी आँखें बंद करता रहता है, तभी वहाँ पर हमारा तांजिरो का एक मतलब ऐसा अपने उसके दिमाग में चलता रहता है कि तांजिरो उसके सामने खड़ा है और उसे बोलता है कि तुम हार मत मानो, तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें कब मरना है, तुम्हें बहुत बड़ा हासिरा बनना है और सारे डेमन्स को खात्मा करना है। उसके बाद हमारा वो बोलता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, अभी कुछ समय में तुम ऐसा बोलोगे तो क्या ही होगा। फिर वो सोचता है कि ये बात मैंने सिर्फ तांजिरो से नहीं सुनी और किसी से भी सुनी, और उसके पास एक ब्लर इमेज बनता रहता है अपने दिमाग में कि किससे किसने बोली थी, बट वो कन्फर्म नहीं कर पाता है। फिर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि बेसिकली हमने देखा हुआ था प्रीवियस एपिसोड में, वो उसे बचाने आता है,
और उस ट्राई करता रहता है कि वो उस स्पेल को तोड़ पाए एक चाकू से, बट उसी समय पीछे से एक डेमन आ जाता है जिसके साथ वो लड़ना चाहता था, मतलब लड़ना नहीं चाहता था और अपने जो हाशिर है उसको बचाना चाहता था, बट वो डेमन जब अटैक करता है तो वो बच्चा क्रिटिकली इंजर्ड हो जाता है, जो वो देख के गुस्से में आ जाता है और अपना और एक बार ट्राई करता है जैसे तैसे करने का, बट वो नहीं निकल पाता। फिर हमारा बच्चा ऐसा चोट खा के बहुत सीरियस इंजरी हो के जैसे तैसे करके अपने मुंह में हवा भर के वो स्पेल के अंदर ऐसा हवा भेज देता है, ट्रांसफ़र करता है जैसे तैसे बड़े मुश्किल से, जिससे कि हमारा मिस्ट हासिरा को थोड़ा और ऑक्सीजन मिल जाता है और उससे वो एक लास्ट टाइम परफॉर्म करता है अपना ब्रेथ टेक्निक और वो स्पेल तोड़ देता है। और वो बोलता है कि मैंने ये बात, उसको फिर रियलाइज़ होता है कि ये बात और किससे सुनी हुई थी, तो हमें देखने को मिलता है कि उसके फादर ने ये बात उसको बोली रहती है, और जो उसका फादर का आयस है और जो तांजिरों का आयस है दोनों ही रेड कलर के रहते हैं और दोनों सिमिलर दिखते हैं, जिससे कि वो बोलता है कि ये बात मेरे फादर ने मुझे बोली थी और तुम भी तांजिरो उनकी तरह ही हो, अनबीटेबल और बहुत इमोटिवेटेड, और तुम जब तक हो मुझे कोई हरा नहीं सकता बोल के वो सोचता है और वो उस लड़के को हेल्प कर देता है। फिर हमें अगले सीन में ही देखने को मिलता है कि हमारा तांजिरो पहला अटैक करता है हमारे डेमन के ऊपर, बट वो कुछ यूजलेस रहता है, बट हमारा डेमन एक अटैक करता है जिससे कि सीरियस इंजरी हो जाती है हमारे तांजिरो को, और उसके बाद हमारा तांजिरो बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है सस्पेंस में इन दोनों के फाइट में। मतलब भाई इनका तो फाइट के सीन में ही एंडिंग होता है हर बार। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तो मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं तो उसी दिन लाने वाला हूँ देखो, क्योंकि मैं एक दिन लेट आ रहा हूँ कि भाई थोड़ा एग्ज़ाम मेरा पास आ रहा है इसीलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टाटा, पीस आउट।